इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने सोचते हैं कि एक घर के अंदर भाई हैं, उनके कपड़ों को हम अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी तरह हमारे कपड़ों को वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या बिना पूछे भी कभी इस तरह से उनके लिबास को ले सकते हैं या उनके जूते चप्पल हम पहन लेते हैं और घर में इस तरह का रिवाज चलता है, कोई किसी से बुरा नहीं मानता। तो जो चीज़ों को बग़ैर इजाज़त लेना किसी की मना है, तो अगर किसी के घर में ऐसा रिवाज है कि यानी हम उम्र हैं कोई भी बहन भाई आपस में, यानी बहनें बहनें और भाई भाई, तो वो आपस में एक दूसरे का लिबास अगर पहनते हैं कि उसका वो पहनता है उसका वो पहनता है, या फिर इस सूरत में कि उनकी इजाज़त भी होती है, उनको मालूम भी है कि हाँ ये मेरे कपड़ा कहीं जाते वक्त पहन लेता है या ये कपड़ा मैं और ये दोनों शेयर करते हैं, तो ऐसी सूरत में पहन सकते हैं अगर वो शख्स घर में उस वक्त मौजूद नहीं है। इसी तरह बहनों के अंदर ये कि किसी का दुपट्टा कोई पहन लेता है, उनमें आपस में जन गालिब यही होता है कि नहीं कोई बुरा मानता है, इसमें अगर पूछेंगे तो वो इजाज़त ही देगा, तो इसमें जो इस्तेमाल वो कर सकते हैं इन चीज़ों को। लेकिन इसमें एहतियात की ज़रूरत उस सूरत में होती है कि अगर किसी शख्स ने कोई ख़ास लिबास अपने लिए प्रेस करके रखा है या ख़ास लिबास नया ख़रीद कर कहीं जाने के लिए रखा है और उसके जाने से पहले आप उसको पहन के चले जाएंगे, तो इजाज़त वहाँ पर लेना ज़रूरी होगी कि वहाँ उम्मीद ये है, मसलन ये कि किसी ने जूते पॉलिश करके रखे हैं और वो शख्स गया नहाने और आप उसके जूते पहन के चल दिए, तो ये दिल आज़ारी का ज़रिया बन सकता है और नाराज़गी का बाइस भी बनेगा। तो इसमें फितने का अंदेशा है कि उसकी तैयारी थी जाने की, उसी कपड़े को और उसी जूते को पहन के और उसने प्रेस करके रखे और पॉलिश वगैरह करके रखे कि सुबह उसको कहीं जाना है और वो सुबह देर से उठाइए, उसके 11 बजे जाने की प्रोग्रामिंग है, आप 8 बजे उठे चल दिए उसको पहन के, तो इस तरह नहीं कर सकते उन कपड़े और जूतों के साथ जो उसने किसी वक्त के लिए अपने मखसूस करे हैं। इसी तरह ख़ातून के अंदर भी कि उसने कोई कपड़े अपने लिए प्रेस करके रखे हैं कि उसको सुबह कल कहीं जाना है और दूसरी बहन फिर उसी कपड़े को जानबूझ के पहन ले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसकी इजाज़त ले कि अगर मैं कपड़ा पहनूं तो तुम्हारे लिए दूसरे का इंतज़ाम है या दूसरे प्रेस कर लो, तो वो हो सकता है कि मना करे कि नहीं मुझे ये पहन के जाना है, मैंने इस पर प्रेस करके रखी है, तो उसका मना करने इस बात की दलालत है कि वो उसको ख़ुद इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसके बिना पूछे इस तरह पहन के ना चलें। तो इसमें थोड़ा एहतियात कर लें कि कभी कभी बंदा अपने लिए किसी वक्त के लिए ख़ास चीज़ कर लेता है कि मुझे अभी कल ये पहनना और आप उसी को कल ले लेंगे, तो लड़ाई का अंदेशा रहेगा। बाकी नॉर्मल हालत में जैसे चप्पल वगैरह हैं टॉयलेट में जाने के लिए, एक चप्पल जेंट्स की है, जेंट्स वगैरह सब उसको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसमें सबसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ चल सकता है, लेकिन ख़ास चीज़ में एहतियात बरत लेनी चाहिए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।